हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। अभी तक हमने बहुत सारी सॉलिड वेस्ट के बारे में पढ़ लिया है। ऑलमोस्ट 4 से 5 वीडियोस ऑलरेडी आ चुकी हैं और आज हम और आगे देखेंगे इसी में। एक बार मैं आपको बता देती हूँ कि पिछले क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था। तो पिछले क्लास में जो टॉपिक था हमारा वो था म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट कैरेक्टरिस्टिक, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट कैरेक्टरिस्टिक। इसमें हमने देखा था कि उसमें कंपोजिशन क्या होगा, कंपोजिशन में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होंगी, केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगा, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी क्या होगा, पार्टिकल साइज क्या होता है या पार्टिकल साइज पे किस तरह से मैटर करेगा, और हमने देखा था हीट वैल्यू, हीट वैल्यू या कैलोरीफिक वैल्यू। इसके अलावा हमने देखा था बल्क एंड मटेरियल डेंसिटी, टाइप ऑफ मटेरियल रिकवर्ड, किस तरह के मटेरियल हम रिकवर कर सकते हैं, ये सब देखा था। बायोडिग्रेडेबिलिटी भी देखा था हमने कि कौन सा सब्सटेंस बायोडिग्रेडेबल है और कौन सा नॉन बायोडिग्रेडेबल है। तो इतनी सारी चीज़ें हमने पिछले क्लास में देखी थी। पिछले क्लास की वीडियो आपको मिल जाएगी कहाँ पे? BPSC स्पेशल प्लेलिस्ट में। वहाँ पे आपको 1 to 5 लेक्चर्स होंगे ऑलमोस्ट, ये सभी आपको मिल जाएंगे जो कि सॉलिड वेस्ट से रिलेटेड लेक्चर्स हैं। आई होप आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी समझने में। और बहुत लोगों का कमेंट आ रहा था कि ये कौन सी बुक है, तो ये SK गर्ग की बुक है, आप ध्यान से देख लेना, ठीक है। SK गर्ग की बुक है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की, सिविल इंजीनियरिंग की बुक है। इसमें सब कुछ हमें नहीं पढ़ना है, हमें मतलब ये ऑलमोस्ट 600-700 पेज की बुक है, लेकिन अगर आप देखोगे तो मैं चूज करके चीज़ों को आपको बता रही हूँ जो हमारे सिलेबस में है, जो हमें पढ़ना है। हमें सब कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं आगे कि अगला हमारा टॉपिक क्या है। तो अगला आप जानते हो, अगला टॉपिक जो है वो है कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ सॉलिड वेस्ट। अब किस किस तरीके से कलेक्शन हो सकता है, स्टोरेज हम कैसे करेंगे और बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे हम ध्यान से पढ़ेंगे। तो पहला है ऑन साइट स्टोरेज। ऑन साइट स्टोरेज का क्या मतलब होता है कि जहाँ पे वेस्ट जनरेट हो रहा है उसी जगह पे हम उसको डिकम्पोज कर दें। जहाँ कहीं भी वेस्ट जनरेट हुआ उसी जगह पे हम उसको अलग अलग कर ले, अलग अलग सेपरेट कर ले, ठीक है, उसे ही हम कहते हैं ऑन साइट स्टोरेज। प्राइमरी कलेक्शन से पहले सेग्रीगेटेड और मिक्स्ड फॉर्म में सोर्स जनरेशन के पास ही अगर हम सॉलिड वेस्ट को स्टोर करते हैं तो इसे हम कहते हैं ऑन साइट स्टोरेज। अब इसमें आगे देखेंगे हम और सारी चीजें जो काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और वो क्या है। वेस्ट इज कंटिन्यूसली प्रोड्यूस्ड एज ए रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। जब भी ह्यूमन एक्टिविटी होगी तो वहाँ पे वेस्ट जनरेट होगा, ये तो कॉमन सी बात है, आप सभी जानते हो। सिंस दिस वेस्ट कैन नॉट बी रिमूव्ड एज फास्ट एज इट इज प्रोड्यूस्ड। जितना फास्ट हम कचरा प्रोड्यूस करते हैं उतना फास्ट हम उसे रिमूव नहीं कर सकते हैं। तो जरूरी है कि इसको हम स्टोर करें, ट्रांसपोर्ट करें, जितना जल्दी पॉसिबल हो सके उतना जल्दी, स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी में, ठीक है, पॉसिबल एट स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी। अलग अलग जगह पे अलग अलग फ्रिक्वेंसी होगी वेस्ट को कलेक्ट करने का, ट्रांसपोर्ट करने का या स्टोर करने का। द रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम इंडिविजुअल हाउस इज टर्म्ड एज कलेक्शन ऑफ वेस्ट। अब आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कलेक्शन ऑफ वेस्ट क्या होता है। तो उसे हम कहते हैं रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम इंडिविजुअल हाउसेज इज टर्म्ड कलेक्शन ऑफ वेस्ट। ध्यान रखना, तो हमारा टॉपिक भी यही था कलेक्शन ऑफ सॉलिड वेस्ट। ओके, तो क्या हो गया, रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम इंडिविजुअल हाउस, एक सिंगल घर से वेस्ट को हटाना कलेक्शन कहलाता है। अब आजकल आपने ये सुना भी होगा, आप लोग अगर शहर में रह रहे होगे कहीं पे भी, मैक्सिमम जो BPSC की तैयारी करने वाले बच्चे हैं वो पटना जैसे जगह पे रहते हैं, और पटना में आपने देखा होगा कि डोर टू डोर जाके सबसे कचरे लेके आने होते हैं, म्यूनसिपालिटी के वो लोग होते हैं और वो आपके घरों से जाके कचरे को कलेक्ट करके ले आते हैं, और आई थिंक 2 रुपये पर डे लेते हैं, मतलब 60 रुपीज़ पर डे आप उन्हें दीजिए और वो आपके घर से आके कचरे लेके चले जाते हैं, ठीक है।
ये मैं एग्जैक्ट इसलिए बता पा रही हूँ क्योंकि मैं भी देती हूँ इतना, ठीक है? तो ये आप कर सकते हो। तो इसे ही हम कहते हैं कलेक्शन ऑफ वेस्ट। अब कौन कौन से फैक्टर हैं जो ऑन साइट स्टोरेज को अफेक्ट करते हैं? तो पहला हो गया स्पेस अवेलेबिलिटी फॉर स्टोरेज। अब मान लो कोई पार्टिकुलर एरिया है, पूरे घरों से कलेक्ट करके लाके हम वहाँ पे जमा कर सकते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि स्पेस हमारे पास हो, ताकि मान लो यहाँ पे 50 घर हैं, तो उन 50ों घर से कलेक्ट करके लाके यहाँ रखें, इतना जगह हमारे पास हो कि हाँ हम उन 50ों घर का जो कचरा है, जो वेस्ट है, उसको एक जगह पे कलेक्ट करके रख सकें। तो पहले तो ये कंफर्म करना कि ये स्पेस अवेलेबल है या नहीं। दूसरा है प्रॉपर ड्रेनेज फैसिलिटी है या नहीं, मतलब इसको ले जाने का, वहाँ से दूर हटाने का फैसिलिटी हमारे पास है कि नहीं। जो एरिया हम चूज कर रहे हैं वो एनिमल अप्रोच से दूर है या नहीं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एनिमल्स जो हैं वो इन कचरे के ऊपर खाते पीते हैं और फिर उसका बहुत बुरा प्रभाव उनके शरीर के ऊपर पड़ता है। लेकिन इसको बिना सोचे समझे हम कहीं भी कचरा फेंकते हैं। पटना में ही देखोगे आप तो हर जगह कहीं ना कहीं कचरा फेंका हुआ रहता है, और उसी के ऊपर गाय भैंस जो भी होती हैं वो सब खाना खा रही होती हैं उसी कचरे में से, ठीक है? तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो भी एरिया हमने चूज किया है स्टोरेज के लिए वो एनिमल अप्रोच से दूर होना चाहिए। कलेक्शन के लिए इजी होना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि बहुत डिफिकल्ट पड़े हमें वहाँ से कलेक्ट करना। पब्लिक एक्सेप्टेंस फॉर ऑन साइट स्टोरेज, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे घर के पास कोई कितना भी कचरा फेंके हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। पटना में ही देख लो, आसपास बहुत सारे कचरे फेंके रहते हैं, लेकिन कोई भी उसके लिए कंप्लेन करने नहीं जाता है, या कोई सोचता नहीं है कि ये कचरा यहाँ नहीं होना चाहिए। लेकिन वही अगर किसी दूसरे जगह पे जाओगे, किसी अच्छे शहर में चले जाओ, तो वहाँ आप अगर उनके घर के पास कचरा फेंकते हो तो वो तुरंत पुलिस को कॉल करेंगे, बोलेंगे कि ये यहाँ पे कचरा नहीं होना चाहिए था, क्यों कचरा फेंका हुआ है, ठीक है? तो ज़रूरी है कि पब्लिक एक्सेप्टेंस हो कि वो जगह जो हमने चूज किया है वहाँ पे कचरा रखने से किसी को दिक्कत ना हो रही हो, ठीक है? इसके बाद है प्रॉपर प्रोटेक्शन फॉर वेस्ट स्टोरेज अगेंस्ट रेनफॉल। अब ऐसा ना हो कि बरसात पड़े और सारा कचरा सभी जगह बिखर जाए, पूरे शहर में बिखर जाए, ठीक है? तो ये भी ध्यान रखना है कि रेनफॉल में उसे हम बचा के रखें। शुड नॉट अफेक्ट पब्लिक हेल्थ एंड एनवायरनमेंट, ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट हो गया कि पब्लिक हेल्थ या एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा अफेक्ट ना करता हो। लेकिन प्रेजेंट सिनारियो देख लो क्या है। ऑन साइट स्टोरेज में वेरी फ्यू पीपल ओनली कीप पर्सनल बीन्स फॉर स्टोरेज ऑफ डोमेस्टिक और इंस्टीट्यूशनल वेस्ट। कोई भी अपने घरों में बिन नहीं रखता है, बिन मतलब जो कचरा पेटी होता है, छोटा सा डब्बा, डस्टबिन जिसे हम कहते हैं। तो कोई भी अपने घर में डस्टबिन नहीं रखता है, प्लास्टिक में या जो भी कोई थैला होता है उसी में भर के हम बाहर फेंकाते हैं। तो ज़रूरी है कि हम पर्सनल डस्टबिन रखें डोमेस्टिक यूज़ के लिए, मतलब घरों में यूज़ के लिए, या इंस्टीट्यूशनल वेस्ट को कलेक्ट करने के लिए। मोस्ट पीपल थ्रो ऑन स्ट्रीट्स, ओपन प्लेसेस, ड्रेन्स लीड टू क्लोजिंग एंड पॉपुलेशन। अब नालों में जब हम कचरे फेंकते हैं तो वो जाके नालों में जमे हो जाते हैं, और जब नाले में जमे होंगे तो क्या करते हैं, उसको जाम कर देते हैं, तो उसके बाद नाले का पानी पूरा सड़क पे आने लगता है, ड्रेनेज सिस्टम जो है वो पूरा खराब हो जाता है। तो प्रेजेंट सिनारियो अगर देखोगे ऑन साइट स्टोरेज का, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि कहीं ना कहीं लोग ले जाके कचरे को फेंक देते हैं, ऐसे ही बाहर खुले में, गलियों में पूरा फेंका हुआ रहता है, अपने आसपास भी आपको दिख जाएगा सब जगह। कोई भी डस्टबिन अपने पास नहीं रखते हैं, इंस्टीट्यूशनल वेस्ट हो या डोमेस्टिक वेस्ट हो, कोई भी ले जाके उसको बिन में भी नहीं डालते हैं। मान लो अपने पास डस्टबिन रख लिया, लेकिन जो स्ट्रीट में डस्टबिन रखा हुआ है उसमें भी नहीं रखा जाता है, या इतना दूर दूर होता है ये स्ट्रीट में जो बिन्स रखे होते हैं वो इतने ज़्यादा दूर होते हैं कि लोग वहाँ तक नहीं जाते हैं फेंकने के लिए। प्लस इतने कम होते हैं, मान लो अगर 100 घरों का कचरा एक ही बिन में डालोगे तो पॉसिबल नहीं है कि उसमें रखा जाए, तो क्या होता है आसपास में पड़े रहते हैं सभी। तो ये सब है। अब इसका तो इसी के लिए शायद ये पोस्ट क्रिएट किया जा रहा है, ताकि ये प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट हो सके। अब अगला देख लो, प्रोसीजर टू बी फॉलोड फॉर स्टोरेज एट प्रेमिसेस, मतलब कौन कौन सा प्रोसीजर हमें अपनाना चाहिए स्टोर करने के लिए।
The waste stored in premises must be kept in a standard container for the house to house collection system. स्टैंडर्ड कंटेनर्स मतलब अच्छे क्वालिटी के कंटेनर्स रखे जाने चाहिए वेस्ट को कलेक्ट करने के लिए, स्टोर करने के लिए. अब किस तरह का कंटेनर यूज होना चाहिए? तो बकेट यूज हो, प्लास्टिक का जो डस्टबिन होता है वो, या प्लास्टिक का बैग, मेटल बीन्स विद और विदाउट लीड्स. लीड्स मतलब उसका ढक्कन, मतलब ये इस तरह का हो, इसके ऊपर ढक्कन होना चाहिए. तो या तो ढक्कन वाला लगाओ या बिना ढक्कन वाला लगाओ. तो मेटल बीन्स होते हैं, तो ये सभी स्टेप्स हैं. नेक्स्ट है, कैपेसिटी ऑफ कंटेनर्स मस्ट बी डिजाइंड आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द कंट्रीब्यूट पॉपुलेशन एंड द फ्रिक्वेंसी ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट. अब देखो, कैपेसिटी मतलब कितना बड़ा कंटेनर रखना है, ये डिपेंड करता है कि उसके आसपास कितना पॉपुलेशन है. मान लो 100 घरों का एक काफ़ी बड़ा सा पॉपुलेशन अगर वहाँ रह रहा है, तो हमें बड़े कंटेनर की ज़रूरत पड़ेगी इन कंपैरिजन टू जहाँ पे 50 घर हैं. मान लो 50 घर हैं, तो वहाँ पे बहुत बड़े कंटेनर की ज़रूरत नहीं है. लेकिन अगर 100 घर का कचरा एक जगह रख रहे हैं हम, तो उसके लिए बड़े कंटेनर की ज़रूरत है. तो फ्रिक्वेंसी ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट डिपेंड करेगा कैपेसिटी ऑफ कंटेनर्स के ऊपर. आई होप इतना आपको समझ में आ रहा है. अब देख लो आगे, अगला जो टॉपिक है, इसी में टॉपिक नहीं मतलब इसी में पार्ट है. द स्टोरेज कंटेनर शुड बी सो डिजाइंड एज टू बी कंपैटिबल विद द व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन. अब जहाँ कहीं भी हमने स्टोर किया, सिंपल वे में मैं आपको एक बात समझाती हूँ. हमने घरों में छोटे छोटे डस्टबिन रखने हैं, उस डस्टबिन में हमें कचरा जमा करना है, फिर उस डस्टबिन से ले जाके जो स्ट्रीट में बड़े कंटेनर होते हैं वहाँ पे रखना है, ठीक है. उसके बाद ये जो बड़ा कंटेनर है वो इस तरह का होना चाहिए कि इसमें से डायरेक्टली वो ट्रांसपोर्टेशन, जिस भी व्हीकल के ऊपर ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं उस व्हीकल पे ये ईजली आ जाए, ठीक है, और इनको फिर ये लेके यहाँ से जा सके. तो कंपैटिबल कहने का मतलब है कि कचरे को उठाने के लिए जो गाड़ियाँ इस्तेमाल होती हैं उसके लिए ये कंपैटिबल हो. अब ऐसा ना हो कि इतना बड़ा ले लिए कि इस पर ये लोड करना ही पॉसिबल ना हो पाए, या इतना छोटा ले लिए कि इसमें सारे कचरे नहीं आ पा रहे हैं, तो जो व्हीकल आई है वो सिर्फ इसमें से उठा के ले जाएगी, आसपास का जो बचा हुआ है उसमें क्या छोड़ दिया. तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए. Use of non-standard containers increases the time required by the collection crew in collecting and emptying their content in vehicle. अब देखो, स्टैंडर्ड कंटेनर नहीं हो. स्टैंडर्ड कंटेनर कहने का मतलब है कि मान लो इसके बाहर रखा हुआ रहेगा तो वो क्या करेंगे, पूरा को कलेक्ट करेंगे, उसके बाद व्हीकल में डालेंगे, फिर ले के जाएंगे, तो इसमें बहुत सारा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा. जो क्रू कलेक्ट करने के लिए आती है, जिस जो आदमी होते हैं व्हीकल लेके आते हैं कलेक्ट करके ले जाने के लिए, उनको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा. फर्दर इट एक्सपोजेस द वर्कर्स टू द रिस्क ऑफ कीमिया एंड मस्कुलर स्ट्रेन व्हेन लार्ज कंटेनर्स आर यूज्ड. अब बहुत बड़े बड़े कंटेनर्स अगर यूज किए जाएं, तो उसको उठा के और जो व्हीकल है उसके ऊपर रखने में बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये मस्कुलर स्ट्रेन उनमें पैदा कर सकता है इतने भारी भरकम कंटेनर्स को उठाने पे. व्हाइल हैंडलिंग मेटल कैंस विथ शार्प एजेस सो स्टैंडर्ड साइज शुड बी यूज्ड. कंटेनर का एक स्टैंडर्ड साइज होना चाहिए जिसको उठा के जो लोग भी हैं वो व्हीकल में रख सकें, ज़्यादा उन्हें प्रॉब्लम ना हो व्हीकल में इन कचरों को डालने में कंटेनर से. तो कंटेनर का एक स्टैंडर्ड साइज होना चाहिए ताकि जो क्रू गई है उसे उठाने के लिए उन्हें प्रॉब्लम ना हो किसी भी तरह का. जनरली द स्टोरेज कंटेनर शुड बी ऑफ प्लास्टिक. अब देखो, यहाँ पे प्लास्टिक का होना चाहिए. जनरली क्या यूज होता है, मेटल यूज होता है. आप अपने आसपास भी देखते होंगे मेटालिक कंटेनर्स रहते हैं. कहा जाता है कि हर एक 10 घर के बाद एक कंटेनर होना चाहिए ताकि वो 10 घरों का कचरा उसमें
आ जाए और फिर वो इजिली कलेक्ट हो सके, पर हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। म्यूनसिपालिटी अपना काम निकालने के लिए क्या करती है कि बहुत बड़े बड़े मेटल के कंटेनर्स को डाल देगी, और फिर क्या होता है पूरे एरिया का कचरा भी उसमें कवर नहीं होता है और आसपास पूरे फैले हुए रहते हैं। तो इससे मैन पावर भी ज़्यादा लगता है, टाइम भी ज़्यादा लगता है, और जितने दिन में 2 बार कलेक्ट कलेक्ट करके ले जा सकते थे तो अब ये एक ही बार ले जाते हैं। ठीक है, तो उनका काम भी आसान हो जाता है, बाहर डाल देते हैं कि एक ही बार ले जाने में तो पूरा दिन निकल गया है। ठीक है, प्लस जो आसपास का एरिया है उसमें हेल्थ रिस्क भी बढ़ जाता है, वहाँ पे कीड़े ज़्यादा लगेंगे, बीमारियाँ ज़्यादा फैलेंगी। तो कंटेनर्स जो भी स्टोर करने के लिए हम रखते हैं वो प्लास्टिक के होने चाहिए, और डिटैचेबल कवर, जो उसका कवर हो ये ऐसा हो कि कवर हटाया फिर उसमें से कचरे को व्हीकल में डाला और फिर से उसको बंद कर दिया। प्रिकॉशंस वुड बी टेकन टू इंश्योर दैट द स्टोर्ड वेस्ट इज नॉट एक्सपोज टू मॉइस्चर एंड वेक्टर ऑफ डिजीज। मॉइस्चर अगर होगा तो कंटेंट बढ़ जाएगा, ये पिछले क्लास में ही मैंने आपको बताया था, मॉइस्चर के बारे में कंप्लीट डिटेल वहाँ पे पढ़ाए हुए हैं हम कि अगर मॉइस्चर किस किस तरीके से बढ़ सकता है और मॉइस्चर का क्या इफेक्ट पड़ेगा वेस्ट मटेरियल के साइज पे या उसके कंटेंट पे। इसके अलावा वेक्टर्स ऑफ डिजीज, वेक्टर्स आप जानते ही हो, इसके ऊपर मक्खियाँ लगेंगी, मच्छर लगेंगे, और भी बहुत तरह की बीमारियों के जो भी वेक्टर हैं वो सभी इसके ऊपर ग्रो करेंगे अगर ये खुला ऐसे ही छोड़ देते हैं हम तो। वेस्ट शुड प्रेफरेबली बी सेग्रीगेटेड इनटू, सेग्रीगेशन का मतलब होता है अलग अलग क्लासिफाई करना, बांटना इसको। ठीक है, तो कैसे कैसे हम बांटेंगे, तो पहला तो हो गया ड्राई एंड वेट वेस्ट, गीला और सूखा कचरा जो हम हमेशा न्यूज़पेपर में और इधर उधर सुनते आ रहे हैं। ड्राई एंड वेट वेस्ट मतलब गीले कचरे को एक जगह रखेंगे, सूखे कचरे को अलग रखेंगे। बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब प्लास्टिक को हम अलग रखेंगे, पेपर्स को अलग रखेंगे। पेपर बायोडिग्रेडेबल होता है लेकिन प्लास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल है, तो ऐसे जिनका डिग्रेडेशन नहीं हो सकता है उनको अलग कंटेनर में रखना है, और जिनका डिग्रेडेशन हो सकता है उनको अलग कंटेनर में रखना है। तीसरा हो गया रिसाइक्लेबल, और चौथा हो गया हजार्डस वेस्ट। रिसाइक्लेबल कहने का मतलब है कि उन्हें फिर से रिसाइकल करके इस्तेमाल में लाया जा सकता है, और हजार्डस वेस्ट शुड बी स्टोर्ड सेपरेटली। जितने भी बहुत डेंजरस टाइप के जो वेस्ट होंगे उन्हें हमें अलग रखना है, सबसे अलग। पर ऐसा होता नहीं है, सारे कचरों को हम एक ही में मिक्स करके और एक ही कंटेनर में डाल आते हैं। ठीक है, तो ये हो गया क्राइटेरिया, सेग्रीगेशन इस तरह से होना चाहिए कचरों का। अब यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि सेग्रीगेशन किस किस तरह से होना चाहिए, तो ड्राई एंड वेट वेस्ट का, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, रिसाइक्लेबल और हजार्डस वेस्ट, किसी को भी हमें एक साथ नहीं रखना है। अब देख लो इसी को आगे चल के डिफाइन किया हुआ है क्या, वेट वेस्ट शुड बी स्टोर्ड इन नॉन कोरोसिव कंटेनर। अब नॉन कोरोसिव कंटेनर कहने का मतलब है कि ऐसा ना हो कि गीला कचरा हमने उसके अंदर डाला और जो केमिकल रिलीज हुआ इसके अंदर से वो केमिकल क्या किया कि इसको कोरोड कर दे। मतलब इसके लिए हमें प्लास्टिक कंटेनर का इस्तेमाल करना है, क्योंकि प्लास्टिक कंटेनर्स में कोरोजन नहीं होता है। कोरोजन मतलब जैसे लोहे को अगर आप रखते हो तो उसके ऊपर जंग लग जाती है और फिर वो धीरे 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 ये हटने लगता है, इसी को कहते हैं कोरोजन। तो नॉन कोरोसिव कंटेनर्स में रखना है किसको, वेट वेस्ट को। अब यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि वेट वेस्ट को हमें किस तरह के कंटेनर्स में रखना चाहिए, तो ये हमें रखना चाहिए नॉन कोरोसिव कंटेनर्स में, विथ लीड शुड बी रिमूव्ड डेली, जो उसका कवर है उसे डेली रिमूव किया जा सके। इन कमर्शियल एरिया ड्यू टू नॉन सिंक्रोनाइजेशन ऑफ वर्किंग आवर क्लीनिंग वर्क्स, दे शुड स्टोर द वेस्ट टिल द कलेक्शन वर्कर अराइव टू कलेक्ट इट। अब क्या होता है कि कमर्शियल एरिया जितने भी हैं तो वो जो कंटेनर रखा हुआ रहता है उसमें कचरा भरते जाते हैं, और वो जब तब तक भरते रहता है जब तक कि कलेक्शन वर्कर जो है वो आके उसको कलेक्ट करके ना ले जाएं। ठीक है, तो ये हम अपना काम नहीं समझते हैं, ये हम समझते हैं कि उसका काम है, उसको आके करना है, आके करेगा तो ठीक है, अदरवाइज कोई बात नहीं, फेंकने दो, कोई दिक्कत नहीं है। इन होटल्स रेस्टोरेंट्स मार्केट्स बायोडिग्रेडेबल वेस्ट शुड बी स्टोर्ड सेपरेटली।
होटल, रेस्टोरेंट और मार्केट में बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को अलग सेपरेट करके रखना है, ये नहीं कि सबको साथ में रख दिए। अब देख लो, अगला जो टॉपिक है वो है कैपेसिटी ऑफ स्टोरेज बिन बेस्ड ऑन कलेक्शन फ्रीक्वेंसी। कैपेसिटी कितनी होगी स्टोरेज बिन की, ये डिपेंड करता है कलेक्शन फ्रीक्वेंसी के ऊपर। मतलब ये है कि दिन में कितनी बार कलेक्ट किया जा रहा है। मान लो हमने छोटा कंटेनर ही रख दिया, ठीक है, और हम दिन में 2 बार इसको लेके जा रहे हैं, तो छोटे कंटेनर से भी काम चल जाएगा। लेकिन अगर हम दिन में एक ही बार लेके जा रहे हैं, तब हमें बड़े कंटेनर की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि छोटे कंटेनर में उतने कचरे नहीं आ सकते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के वाइस वर्सा हैं, यानी कि ये एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कलेक्शन फ्रिक्वेंसी और कैपेसिटी ऑफ स्टोरेज बीन्स। म्यूनसिपाल्टी रिमूव द वेस्ट बेस्ड ऑन साइज ऑफ स्टोरेज बिन एंड कंपोजिशन ऑफ वेस्ट। इफ द मटेरियल विथ हाई मॉइस्चर कॉन्टेंट, फूड वेस्ट, ऑर्गेनिक वेस्ट इज नॉट कलेक्टेड फॉर ए लॉन्ग टाइम, इट टेंड टू डिग्रेड क्विकली एट हायर अमाउंट एंड लीड्स टू फ्लाई एग्स डिपॉजिट इन सच मटेरियल एंड हेंस हैच विद इन 1 day एंड लार्वा 5 days बिफोर पॉपुलेशन विद 3 days, सो वेस्ट शुड बी कलेक्टेड बिफोर 5 to 6 days। देखो, शॉर्ट में मैं आपको समझा देती हूँ। अगर फूड वेस्ट होगा या ऑर्गेनिक वेस्ट होगा या वैसा वेस्ट जिसमें मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होगा, मॉइस्चर होगा, कीड़े ज़्यादा लगेंगे, कीड़ों का जो लार्वा है उन्हें तैयार होने में 5 दिन लगता है, ठीक है। एक दिन में उनका एग प्रोड्यूस कर देते हैं वो, 3 दिन में उनका एग जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है, ठीक है। मतलब बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जो बीमारी पैदा करने वाले जीव होते हैं उनका डेवलपमेंट 1 से 3 दिन में हो जाता है। तो ज़रूरी है कि 4 से 5 दिन में वेस्ट को कलेक्ट कर लिया जाए, अदरवाइज उस एरिया में काफ़ी ज़्यादा बीमारियां फैल सकती हैं। इट इज नेसेसरी टू कलेक्ट द वेस्ट ट्वाइस और थ्राइस अ वीक। एक वीक में जरूरी है कि 2 बार या 3 बार कलेक्ट किया जाए। जो बड़े शहर हैं वहाँ तो रोज़ कलेक्ट करने की ज़रूरत है, लेकिन जो छोटी जगह है वहाँ पे 2 या 3 बार 3 दिन वीक में कलेक्ट करना ज़रूरी है। द कलेक्शन फ्रिक्वेंसी ऑफ वेस्ट एट वेरियस सिचुएशन आर टेबुलेटेड बिलो। अब देख लो, इस टेबल में देख लेते हैं, सिटी 1, और ये सिटी 2nd क्लास, फर्स्ट क्लास सिटी और 2nd क्लास सिटी की बात करते हैं। अगर हाई डेंसिटी वाला है, ठीक है, तो वंस या ट्वाइस ए डे अगर फर्स्ट क्लास सिटी है तो 1 से 2 बार एक दिन में कलेक्ट करने की ज़रूरत है, अगर डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा हाई है, वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है। ये पॉपुलेशन डेंसिटी की बात कर रहा है। अगर पॉपुलेशन डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा हाई है तो 1 से 2 बार कलेक्ट होना चाहिए दिन में, और अगर 2nd क्लास सिटी है तो कम से कम 1 बार। मीडियम डेंसिटी है तो भी 1 से 2 बार, और 2 दिन में 1 बार होना चाहिए 2nd क्लास सिटीज के लिए। लो डेंसिटी पॉपुलेशन के लिए जरूरी है। पॉपुलेशन में क्या हो सकता है, हाई डेंसिटी, मीडियम डेंसिटी और लो डेंसिटी। अगर लो डेंसिटी एरिया है तो 2 दिन में 1 बार कलेक्ट होना चाहिए फर्स्ट क्लास में, और 2nd में 3 दिन में 1 बार। मतलब ये हुआ हफ्ते में 3 बार, और यहाँ हफ्ते में कम से कम 2 बार। अगर हाई इनकम एरिया है तो वहाँ पे 1 दिन में 1 से 2 बार, मैंने आपको पिछले क्लास में बताया हुआ है कि हाई इनकम एरिया या डेवलप्ड एरिया जो है वहाँ पे जो वेस्ट है उसके जनरेशन की कैपेसिटी ज़्यादा होती है, वेस्ट ज़्यादा जनरेट होता है। ज़्यादा जनरेट होगा तो उसे साफ भी करने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, तो इसको दिन में 1 से 2 बार कलेक्ट करने की ज़रूरत है, और इस 2nd क्लास सिटीज़ में भी 1 बार। कमर्शियल एरियाज जो हैं, कमर्शियल एरिया में ट्वाइस अ डे, एक दिन में कम से कम 2 बार। कमर्शियल एरिया जैसे पटना जैसे शहर को आप देख सकते हो, कमर्शियल उसका जो हाई मतलब बहुत ही अच्छा एरिया, जनरली बोरिंग रोड को माना जाता है, बोरिंग रोड को आप जाके देखो, 2 से 3 बार वहाँ कचरे उठाए जाते हैं। या वैसा एरिया जहाँ पे हाईली क्वालिफाइड पर्सन्स रहते हैं, या जो आप समझ रहे हो कमर्शियल एरिया के बारे में, ठीक है, मान लो जजेस का घर हो या जिधर कोर्ट वगैरह हैं,
ऑफिशियल्स जिधर रहते हैं वो एरिया, तो वहाँ पे ज़रूरत होती है कि दिन में 2 बार कम से कम कचरे उठाए जाएं। इंडस्ट्रियल एरिया में दिन में 1 बार ज़रूरी है, और ये हर जगह, इंडस्ट्रियल एरिया किसी भी तरह का हो, ठीक है, दिन में 1 बार वहाँ से कचरे उठाए जाने की ज़रूरत है। तो ये तो हमने देख लिया कि कब कब हमें कचरों को साफ करने की ज़रूरत है। सिंपल आपको यहाँ पे क्या क्या याद रखना है, तो अगर हाई डेंसिटी पॉपुलेशन है तो कम से कम 2 बार दिन में उठाना ज़रूरी है। अगर हाई इनकम एरिया है तो भी 2 बार ज़रूरी है कि उठाएं, और कमर्शियल एरिया में तो 2 बार एक दिन में ज़रूरी है। अब देख लो, टाइप ऑफ वेस्ट टू बी पुट इन बिन मीन फॉर फूड वेस्ट एंड डिग्रेडेबल वेस्ट। टाइप ऑफ वेस्ट मतलब किस तरह के वेस्ट को हमें कचरे के डब्बे में डालना है, ये देख लेते हैं। फूड वेस्ट ऑफ ऑल काइंड्स, कुक्ड अनकुक्ड, एग सेल, बोन्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स जूस पील्स एंड प्लांट वेस्ट, ये सभी को एक साथ रखना है। हाउस स्वीपिंग एंड एसेस नॉट इंक्लूड गार्डन और यार्ड वेस्ट बिकॉज दे आर डिस्पोज्ड ऑन साइट। जो यार्ड वेस्ट होते हैं उनको कहाँ डिस्पोज कर दिया जाता है, ऑन साइड ही खेतों में ही जला दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि उनको कचरे के डब्बे में उठा के ले आया जाएगा। अब देखो यहाँ पे अगला, टाइप ऑफ रिसाइक्लेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट टू बी केप्ट सेपरेटली। अब पेपर और प्लास्टिक है, कार्डबोर्ड्स हो गए, पैकिंग मटेरियल हो गया, मेटल हो गया, ग्लास बोतल हो गए, रबर, वुड पाउचेज, कंप्यूटर सीडी, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स, यूज्ड ओल्ड क्लोथ्स, फर्नीचर्स, इन सभी को अलग रखने की ज़रूरत है। 1010 जो बिन हैं उनके अंदर क्या क्या रखना है, तो इनके अंदर रखना है जो कि सीरियस इलनेस, जो बहुत ज़्यादा बीमारी कॉज करते हैं, उन सभी चीज़ों को। एक बार हम देख लेते हैं 1010 वेस्ट के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं, इम्पॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। इग्निटेबिलिटी मतलब जैसे ग्लूज है, सॉल्वेंट है, पेयर्स है, वार्निस है, ये सब इग्निटेबिलिटी कहने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा जल्दी इनमें आग लग सकता है, ठीक है, इसे कहते हैं इग्निटेबिलिटी। जिनमें बहुत जल्दी इग्निशन हो, बहुत जल्दी आग लग जाए, ऐसे चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा 1010 माना गया है, ठीक है। दूसरा है रिएक्टिविटी, जैसे कि सोडियम, लिथियम या अल्कली मेटल्स हो गए। रिएक्टिविटी मतलब वो जो बहुत ज़्यादा रिएक्शन करते हैं। वैसे भी हम जानते हैं कि जो अल्कली मेटल्स होते हैं उनको किरोसिन ऑयल में डुबा के रखा जाता है ताकि वो एयर के कांटेक्ट में ना आए और तुरंत रिएक्शन ना करें। अगर इन्हें डायरेक्टली एयर के कांटेक्ट में रख दोगे, ये सभी अल्कली ही हैं, अल्कली मेटल्स, ठीक है, अगर इन्हें डायरेक्टली अगर एयर के कांटेक्ट में रख दिया जाए तो ये एयर से बहुत जल्दी रिएक्शन करते हैं, ये सिंपली कहो कि जल जाते हैं, बर्न हो जाते हैं, तो इसलिए इनको किरोसिन ऑयल में डुबा के रखा जाता है, तो इनकी रिएक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। तो इन्हें भी 1010 वेस्ट के अंदर रखा गया है। इसमें क्या क्या हो जाएगा, सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, ये सभी आ जाते हैं इसके अंदर। टॉक्सिसिटी एंड हैवी मेटल्स, टॉक्सिसिटी आर्सेनिक हो गया, लेड हो गया, मरकरी हो गया, आप सभी जानते हो आर्सेनिक, लेड, मरकरी, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, इन सभी की वजह से काफ़ी ज़्यादा बीमारियां कॉज होती हैं। जैसे मरकरी अगर हमारे शरीर में चला जाए तो एक डिजीज़ होता है जिसका नाम है मिन्ना माता डिजीज़, ये एक डिजीज़ हो जाता है मिन्ना माता, ठीक है। लेड की वजह से भी अलग तरह की बीमारी होती है, आर्सेनिक की वजह से भी बीमारी होती है, ठीक है। तो ये सभी टॉक्सिक सब्सटेंस कहलाते हैं, आर्सेनिक, लेड, मरकरी, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड। आप जानते हो DDT जो है वो एक तरह का पेस्टिसाइड है, DDT, जिसे बैन कर दिया गया है, अब तो इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन एग्रीकल्चर में इसका इस्तेमाल होता था, इनफैक्ट अभी भी होता है बहुत जगह, पर ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, बहुत ज़्यादा बीमारी कॉज करता है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक है 1010 वेस्ट के। 4 कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन से हैं, पहला हो गया इग्निटेबिलिटी, दूसरा रिएक्टिविटी, तीसरा हो गया टॉक्सिसिटी, और चौथा है कोरोसिव एंड एक्वस वेस्ट, मतलब कोरोसिवनेस। ये मैंने आपको अभी बताया था कि जैसे आयरन हो गया, आयरन के ऊपर जंग लगता है और फिर वो डिग्रेडेड होने लगता है, डिग्रेड होने लगता है, तो इसे हम कहते हैं कोरोसिव। और एक्वस वेस्ट, एक्वस कहने का मतलब है जो पानी में मिला हुआ वेस्ट रहता है, एक्वा वाटर को कहते हैं, ठीक है। तो एक्वस वेस्ट
विथ पीएच 2 to 12, 2 से 12 तक अगर पीएच है किसी का तो वो काफ़ी खतरनाक होता है, जैसे एसिड, बेस, हैलोजन, ये सभी आ जाते हैं। कोरोसिव या एक्वस वेस्ट विथ पीएच 2 to 12। अब देख लो, सो एरोसोल केन, बैटरीज, क्लीनिंग एजेंट, इंसेक्टिसाइड कंटेनर, फोटोग्राफिक केमिकल्स, थर्मामीटर्स, बायोमेडिकल वेस्ट लाइक इंजेक्शन नीडल्स, सिरिंज, डिस्कार्डेड मेडिसिन, सैनिटरी टॉवेल्स, डायपर्स आर केप्ट सेपरेटली एट ए पॉइंट ऑफ जनरेशन। जहाँ पे ये जनरेट हो रहा है, मान लो अगर हॉस्पिटल में जनरेट हो रहा है तो हॉस्पिटल में ही ज़रूरी है कि इनको हम अलग अलग रखें। इसके लिए मैं आपको अभी बताऊंगी कि गवर्नमेंट की क्या क्या स्कीम्स आई हैं, किस किस तरह के बकेट्स उन्होंने रखे हैं। हाँ, गवर्नमेंट की स्कीम्स हमें ज़रूर पढ़नी है, कौन सी स्कीम आई है और उसके तहत वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स कौन कौन से हैं गवर्नमेंट के, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या आपको उन रूल्स के ऊपर वीडियो चाहिए। ठीक है, अगर आपको चाहिए गवर्नमेंट का जो रूल है, मैनेजमेंट रूल्स, ठीक है, गवर्नमेंट के मैनेजमेंट रूल्स, क्या आपको उनके ऊपर वीडियो चाहिए? अलग अलग वेस्ट के लिए अलग अलग रूल्स हैं गवर्नमेंट के, ठीक है। अगर आप बोलोगे तो मैं उनके ऊपर वीडियोस लेकर आऊँगी और उसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। आपको बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि जब भी वीडियोज़ आएंगी किसी भी तरह की आपके एग्जाम से रिलेटेड आपको पता चलता रहेगा, ठीक है। और ये भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैं कैसा पढ़ा रही हूँ, मुझे एक रिव्यू चाहिए एक्चुअली, कि आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है या क्या दिक्कत, कोई अगर दिक्कत हो रही हो तो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हो, मैं कोशिश करूँगी इम्प्रूव करने की, ठीक है, ताकि आप ईजिली समझ पाओ और आपके लिए एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो, ठीक है। चलो, द वेरियस स्टोरेज मेथड्स विथ रिस्पेक्ट टू सोर्सेज ऑफ वेस्ट आर टेबलेटेड। ये एक्चुअली एक टेबल बनाया हुआ है कि बहुत सारे अलग अलग स्टोरेज मेथड्स होते हैं, वो कौन कौन से मेथड्स हैं, अब एक एक करके देख लेते हैं। पहला मेथड है हाउस होल्ड के लिए कौन कौन से मेथड अपनाए जाते हैं। नॉट टू थ्रो एनी सॉलिड वेस्ट इन स्ट्रीट, ओपन प्लेसेस, वैकेंट लैंड, ड्रेन्स और वाटर बॉडीज, इन सब में नहीं फेंकना है। कीप फूड बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इन क्लोज नन कोरोसिव कंटेनर, अब ये आपको याद रखना है। कीप ड्राई रिसाइक्लेबल वेस्ट इन बीन बैग और सैक। कीप डोमेस्टिक हजार्डर वेस्ट सेपरेटली एज स्पेशली नोटिफाइड लोकेशन। डोमेस्टिक हजार्डस वेस्ट जो भी हैं उनको एक स्पेसिफाइड लोकेशन पे रखना है। कंटेनर ऑफ 15 लीटर कैपेसिटी फॉर ए फैमिली ऑफ 5 मेंबर इज एडिक्वेट, ये तो है ही, लेकिन जो गवर्नमेंट रूल आए हैं मैनेजमेंट रूल, उसके अंतर्गत भी ये सब चीज़ें दी हुई हैं, तो वहाँ पे हम इसको थोड़ा ज़्यादा अच्छे से देखेंगे। बेसिकली यहाँ पे याद रखना, ये एक्चुअली पूछा जा सकता है कि हाउस होल्ड जो सॉलिड वेस्ट जनरेट हुआ है, म्यूनिसिपल वेस्ट, उनको रखने के लिए अगर 5 मेंबर फैमिली है तो कितने कैपेसिटी का कंटेनर चाहिए, तो कम से कम 15 लीटर का। मतलब ये हुआ कि एक इंसान के लिए कम से कम 3 लीटर का बकेट चाहिए। मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग, कमर्शियल कम्प्लेक्सेस या प्राइवेट सोसाइटीज हैं तो उनके लिए क्या चाहिए। नॉट टू थ्रो एनी सॉलिड वेस्ट इन स्ट्रीट, ओमन प्लेसेस, वैकेट, ये तो सबके लिए रहेगा, किसी को भी नहीं फेंकना है। कीप फूड बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इन क्लोज्ड नॉन कोरोसिव कंटेनर, ये भी सबके लिए रहेगा। ड्राई रिसाइक्लेबल वेस्ट को बीन या बैग में अलग रखना है, ये भी सबके लिए है। डोमेस्टिक हजार्डस वेस्ट को एक स्पेसिफाइड नोटिफाइड लोकेशन पे रखना है, तो ये भी सबके लिए सेम है। प्रोवाइड ए सेपरेट कम्युनिटी बिन, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, कम्युनिटी बिन प्रोवाइड करना ज़रूरी है। लार्ज इनफ टू होल्ड फूड, बायोडिग्रेडेबल एंड रिसाइक्लेबल वेस्ट जनरेटेड, अलग अलग के लिए ज़रूरी है कि एक कम्युनिटी बिन रखा हुआ हो। डायरेक्ट द मेम्बर्स ऑफ द सोसाइटी टू डिपॉजिट देयर वेस्ट इन बीन्स बिफोर द आवर ऑफ क्लियरेंस, मतलब जब उसको उठा के ले जाना हो उसके पहले सबको पता होना चाहिए कि अगर 8 बजे कचरा वाला उठा के ले जाता है तो इसके पहले हम अपने घरों का कचरा वहाँ पर डालें, ताकि ये साफ होने के बाद एटलीस्ट कुछ टाइम तक उसमें कचरे ना रखे जाएँ,
तो ये ज़रूरी है कि प्राइवेट सोसाइटीज़ या कमर्शियल कम्प्लेक्सेस जो होते हैं या मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग रहते हैं वहाँ पे ये सारी चीज़ें हों। स्लम्स में कचरे के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो बाकी जो सारी चीज़ें थी वो तो सेम है कि हमें गली में मोहल्ले में या पानी वाले सोर्स में नहीं फेंकना है। देखो यूज कम्युनिटी बिन प्रोवाइडेड बाई लोकल बॉडी फॉर डिपोजिशन ऑफ फूड एंड बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। कम्युनिटी बिन्स का इस्तेमाल करना है जो कि लोकल बॉडी का मतलब हो गया म्यूनसिपालिटी के द्वारा जो बिन प्रोवाइड किया हुआ है उस बिन के अंदर कचरे ले जाके डालें। सिंस ड्यू टू नैरो लेंस का क्या मतलब है, जो स्लम्स होते हैं उसमें काफ़ी पतली पतली गलियाँ होती हैं। हाउस टू हाउस कलेक्शन सिस्टम इज़ नॉट पॉसिबल, नैरो लेंस में हाउस टू हाउस कलेक्शन नहीं हो सकता है, तो कम्युनिटी बिन्स में ले जाके उनको रखा जाए। और इसके लिए 40 से 100 लीटर के कंटेनर का इस्तेमाल किया जाता है। और जितने भी स्लम में रहने वाले लोग हैं उनको कहा जाता है कि पहले आप फेंक दीजिए ताकि जिस टाइम पे म्यूनसिपालिटी वाले आते हैं कचरा ले जाने उससे पहले आपका कचरा वहाँ चला जाए, ना कि आप उसे अपने घर के आसपास फेंकें। शॉप्स ऑफिस एंड इंस्टीट्यूशंस, इनके लिए भी सेम रूल हैं। बस यहाँ पे देखोगे डायरेक्ट द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी टू डिपॉजिट देयर वेस्ट इन बिन फॉर द आवर ऑफ क्लियरेंस। दे शैल रिफ्रेन फ्रॉम थ्रोइंग द स्वेप आई सी इन फुटपाथ स्ट्रीट ओपन प्लेसेस। क्या करते हैं हम सुबह सुबह जैसे ही दुकान खुलती है किसी की भी, तो वो अपने सारे कचरों को झाड़ू मार के बाहर रोड पे जमा कर देते हैं। जनरली ये हर जगह देखने को मिलता है। ऐसा करना ज़रूरी नहीं है, आप अपने कचरों को अपने एक पास डस्टबिन रखो, उसके अंदर रख लो, और फिर जब कचरे वाले आते हैं ले जाने के लिए तो आप उनको वो दे दो ताकि वो इजली वहाँ से चला जाए। अब आप रोड पे जमा कर दोगे तो वो नहीं ले जा पाते हैं और फिर इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। वो फिर नालों में जाते हैं, नालों को जाम करते हैं और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। होटल्स एंड रेस्टोरेंट के लिए भी सेम चीज़ें हैं। पहला दूसरा तीसरा चौथा ये सभी सेम ही है। बस जो होटल्स या रेस्टोरेंट हैं उनको यूज़ करना है 100 लीटर साइज का कंटेनर और हैंडलिंग उसका इजी होना चाहिए, रीम लगा होना चाहिए, मतलब चक्के होने चाहिए ताकि उसको हैंडल करना आसान हो। शुड बी कोरोसिव रेसिस्टेंट, प्लास्टिक का डस्टबिन होना चाहिए, ऐसा ना हो कि मेटल डस्टबिन यूज़ कर रहे हैं और जो भी खाना है उसके अंदर क्योंकि एसिड भी रहता है तो वो ख़राब कर देगा उसे बहुत जल्दी। दे सैल रिस्ट्रिक्ट देयर वेस्ट इन म्यूनसिपालिटी बिन बाई सॉर्टिंग आउट रीयूजेबल। उन्हें म्यूनसिपालिटी बिन में नहीं रखने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बन सकता है कि किस तरह के कचरे को बैन किया गया हुआ है या सिंपली समझ लो कि रिस्ट्रिक्ट किया गया है कि वो म्यूनसिपालिटी का जो डस्टबिन है उसमें उसके कचरे को ना रखें बल्कि अपना एक अलग डस्टबिन रखें और जब भी म्यूनसिपालिटी वाले आए तो उन्हें वो अपना कचरा जो है वो उन्हें दे दें। तो इन्हें रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है कि वो म्यूनसिपालिटी का जो बिन है उसे इस्तेमाल ना करें। ठीक है, अगला है वेजिटेबल एंड फ्रूट मार्केट, मीट एंड फिश मार्केट। सबके लिए अलग अलग रूल्स हैं और ये रूल्स ही इम्पॉर्टेंट हैं। प्रोवाइडेड विद लार्ज कंटेनर्स विच मैटर्स विद द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ऑफ लोकल बॉडी, शुड नॉट डिपॉजिट वेस्ट ऑन ओपन प्लेसेस, डिपॉजिट वेस्ट एज एंड व्हेन जनरेटेड विद इन मैक्सिमम ऑफ 1 आवर, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मीट एंड फिश के लिए भी यही चीज़ें हैं, इनके लिए डिस्पोजल का प्रॉपर्टी है, कंट्रोल्ड इंसिनरेशन और बरियल या कंपोस्टिंग, क्योंकि मीट और फिश जो है उसे हम कंपोस्ट में डाल सकते हैं, कंपोस्टिंग कर सकते हैं उसका, तो ये सब चीज़ें अपनाई जा सकती हैं। तो ये सबके लिए अलग अलग रूल्स हैं। इसके बाद देखोगे स्ट्रीट फूड वेंडर्स, ट्रांसफर द वेस्ट टू कम्युनिटी बिन्स एंड मार्केट्स। जो गलियों में अपने ठेले पे जो खाना पीना लगाते हैं उनको भी अपने पास एक कचरे का डब्बा रखना चाहिए। ये नहीं कि लोग जा रहे हैं पानी पूरी खाने और फिर खा के सारा पानी पूरी वाला जो ग्लास या जो प्लेट देते हैं वो उसे हम ऐसे ही फेंकते जा रहे हैं।
ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उन सभी ठेले वाले को ज़रूरत है कि वो अपने पास एक कचरे का डब्बा रखें जिसमें जो कुछ भी आप खा रहे हो, चाट पकौड़ा, सबसे ज़्यादा तो गोलगप्पा ही लोग खाते हैं, तो उन गोलगप्पों को खाने के बाद उसे एक पर्टिकुलर कंटेनर में रखा जाए, ना कि आसपास फेंक दिया जाए। और फिर उन जब वहाँ से आप जाने लगो बेच के, तो ऐसा नहीं कि उसको वहीं पे गिरा के चले गए, ऐसा नहीं करना है, उसे ले जाके जो म्युनिसिपैलिटी का जो कम्युनिटी बिन है उसके अंदर डाल देना है। अब देखो अगला है मैरिज हॉल, कम्युनिटी हॉल या कन्या मंडप्स, इसके लिए भी अलग अलग रूल्स हैं। कीप बीन्स टू कलेक्ट वेस्ट बाई वेंडिंग, वेंडर को रखो जो कलेक्ट को, और ऑन साइट बायोडाइजेस्टर फॉर फूड वेस्ट शुड बी इनकरेज्ड। ऑन साइट बायोडाइजेस्टर, बायोडाइजेस्टर हर होटल्स को रखना चाहिए ताकि जो भी फूड वेस्ट वहाँ पे निकले उन्हें वहीं पे डाइजेस्ट करने के लिए रख दिया जाए। और उसके बाद जो भी वेस्ट हो उसे कम्युनिटी बीन्स में ट्रांसफ़र कर देना है। हॉस्पिटल, नर्सिंग होम्स, इसके इसको यहाँ पे नहीं पढ़ो, इसको मैं काफ़ी डिटेल में आपको अलग से बताऊंगी कि हॉस्पिटल्स के लिए क्या क्या रूल्स हैं। ये यहाँ पे तो है दिया हुआ क्या क्या चीज़ें हैं। रेड बकेट्स, येलो येलो कलर का बकेट किस चीज़ में काम आएगा, रेड बकेट किस चीज़ में काम आएगा, ब्लू बकेट किस चीज़ में काम आएगा, और इसके अलावा और भी हैं जैसे ब्लैक कलर का है, तो इसके लिए मैं आपको अलग से वीडियोस लेकर आऊँगी, अलग से काफ़ी डिटेल में मैं पढ़ाऊँगी कि अगर हॉस्पिटल्स में जो कचरे हैं उनको रखने के लिए क्या क्या रूल है, मैनेजमेंट रूल है। एक्चुअली ये इंडियन गवर्नमेंट का जो मैनेजमेंट रूल है हम वही पढ़ेंगे, यहाँ पे नहीं पढ़ते हैं इसको, ठीक है। अलग अलग क्यों पढ़ना सारी चीज़ों को, इसलिए एक जगह पढ़ेंगे कि किस किस तरह की चीज़ों को हमें अलग अलग रखना है इन केस ऑफ मेडिसिनल वेस्ट। आगे जो हमारा टॉपिक होगा वो स्टोरेज के ही फैक्टर में आगे होगा कि और हमें क्या क्या चीज़ें करनी है, जैसे ट्रांसफ़र स्टेशन क्या होना चाहिए, या कलेक्शन रिसाइक्लेबल होगा तो हम किस किस चीज़ को रिसाइकल कर सकते हैं, टाइप ऑफ कंटेनर्स, इन्हें बहुत ज़्यादा हमें नहीं पढ़ना है, टाइप ऑफ कंटेनर्स क्या होंगे ऑलरेडी हमने देख लिया है, ये सब चीज़ें हम पहले से जानते हैं, ये यहाँ पे नहीं पढ़ते हैं, ये हम मैनेजमेंट रूल्स पढ़ेंगे गवर्नमेंट का। कमेंट ज़रूर करके बताइएगा कि आपको उनके ऊपर वीडियो चाहिए। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आई थिंक आप सभी को मिल नहीं रहा है, मैंने बहुत सारे लोगों को बोला भी कि टेलीग्राम का लिंक देखोगे तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, इस डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम ज्वाइन करो, और टेलीग्राम में आपको करेंट अफेयर्स के वीडियोस तो मिलेंगे ही आपको, इसके पीडीएफ मिल जाएंगे, जो कुछ भी मैं पढ़ा रही हूँ इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, प्लस इसके अलावा बहुत सारे, अगर आप और भी बीपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हो तो उसके लिए भी आपको बहुत सारी अलग अलग मटेरियल मिल जाएंगी। जीके जीएस का प्लेलिस्ट है, अगर उसमें आप देखोगे तो जो भी चीज़ें अलग अलग स्टेट के बारे में, बिहार के बारे में भी काफ़ी कुछ हमने बताया हुआ है, प्लस पॉलिटी की प्लेलिस्ट आप विजिट करो, वो भी काफ़ी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा, और प्लस पॉलिटी में हमने बहुत सारे ऑलमोस्ट 20 से 25 प्रैक्टिस सेट लगवाए हैं, अगर वो आप लगा लेते हो तो पॉलिटी आपकी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। हिस्ट्री भी है, जनरल साइंस क्योंकि आप जानते हो बीपीएससी के एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है जनरल साइंस, हिस्ट्री, करंट और जनरल साइंस, ये सबसे ज़्यादा ऑलमोस्ट 30-30 क्वेश्चन के आसपास रहता है, मतलब अगर 90 क्वेश्चन की बात करूँ तो वो इन्हीं तीनों से रहता है, 30 हिस्ट्री का हो जाएगा, 30 करेंट का हो जाएगा और 30 जनरल साइंस का, ठीक है, तो इतने सारे 90 क्वेश्चन तो इन्हीं से रहते हैं, तो ऑलमोस्ट जनरल साइंस की 40-45 प्रैक्टिस सेट्स हैं हमारे इस चैनल पर, आप उनको देखो, इनके पीडीएफ, सभी के पीडीएफ आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम में, तो टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए और इन सभी चीज़ों का फ़ायदा उठाइए। और कैसा लगता है आपको हमारी वीडियोस, ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस एंड कमिंग।